देखिए कल हमारे बाजारों ने पूरे डर को डिस्काउंट करने की कोशिश की जब हमारे बाजार बंद हुए, डाउ करीबन 750 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर्स, और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि 1000 पॉइंट से अधिक की गिरावट के बाद अब डाउ फ्यूचर्स बाउंस की कोशिश कर रहे हैं। एसजेक्स 50 एक 50 पॉइंट ऊपर शुरुआत के संकेत दिखा रहा है, हैंगसैंग एक वक्त 50 पॉइंट ऊपर था, अब 80 पॉइंट नीचे है। इस तरह के माहौल में आप क्या राय दे रहे हैं, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? हाँ तो देखिए प्रदीप, फरवरी शुरू हुई थी काफी दिक्कतों के साथ, जब बजट पे सेल ऑफ आया और आज जब सीरीज के पास है, एंड पे है, तो ये ग्लोबल फिर कोरोना वायरस का, लेकिन आप उसको ये लेके चलिए कि मैक्रोज आपके लिए सबसे अच्छे हैं। इनफैक्ट ये लास्ट वीक से अगर ये 2-3 दिन आप छोड़ दीजिए तो मेरे को लगा मिड कैप्स में तो फिर रंगत बहुत अच्छी आ रही है और मैं अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे लगता है मार्च का महीना, ये एक तो सूर्य देव थोड़े और मेहरबान होंगे, हमने देखा है कि चाइना में द रेट्स आर फास्ट फॉलिंग एट द फास्टेस्ट पेस, और मुझे लगता है ये जो ग्लोबल स्केयर है इट शुड स्टार्ट टू अबेट। तो इंडिया स्पेसिफिक मैं तो कह रहा हूं मार्च का महीना प्रदीप बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी आशाजनक थे, मिड कैप्स हैव स्टार्टेड टू रैली, और ये अनप्रेसिडेंटेड फॉल इन क्रूड एंड अदर मैक्रोस हमारी लोकल पोजीशन को काफी यू नो इट मेक्स अस मोर ऑप्टिमिज्म ऑन द रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी। तो आई वुड अगेन से कि मिड कैप्स में अक्यूमुलेशन का टाइम है और मुझे लगता है मार्च का महीना, मैं पर्टिकुलरली मार्च बोल रहा हूं कि इस अगले महीने 25 तारीख को आप बहुत ही मीठे स्पॉट पे होंगे। और मिड कैप्स में आपने स्पेशली मेंशन किया कि आपका इंटरेस्ट है, कुछ थीम कुछ स्टॉक्स जो कि आप बयां करना चाहें कि हाँ इन लेवल्स पे इसमें एंट्री बहुत अच्छी लग रही है, कुछ स्टॉक्स भसीन साहब? हाँ बिल्कुल वरिंदर, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कुछ शेयर्स मुझे बहुत पसंद हैं, उनके अर्निंग्स भी अच्छे हैं और वो कुछ टाइम से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। तो टॉप ऑफ द लाइन आएगा मुथूट फाइनेंस, आई थिंक नंबर्स एसेट क्वालिटी सब ने ऑन द पॉजिटिव साइड प्लेजेंटली सरप्राइज किया है। दूसरा आएगा पिरामल एंटरप्राइजेस अगेन वेंट थ्रू अ स्टॉर्म, लेकिन अब उन्होंने रिकवर कर लिया है, देयर कॉस्ट ऑफ मनी हैज फॉलन और बिजनेस इज अगेन कमिंग बैक इनटू द एनबीएफसी स्पेस स्ट्रोक मॉर्गेज फाइनेंस, तो पिरामल एंटरप्राइज वुड बी अ सेकंड नेम। थर्ड वुड बी श्रीराम ट्रांसपोर्ट, अगेन ये प्रॉक्सी बता रहा है कि सेकंड हैंड पे रीफाइनेंसिंग बहुत ज्यादा मोमेंटम गैदर कर रही है और ये दिनों की फेरबदल है कि जब आपका BS4-6 की इन्वेंट्री ओवरहैंग ओवर हो जाएगा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इज द थर्ड नेम। फोर्थ इज फेडरल बैंक, ये काफी टाइम से मेरा फेवरेट है और फेडरल बैंक की एसेट क्वालिटी इनफैक्ट इंप्रूव है, साथ में गोल्ड, कॉस्ट ऑफ मनी, कासा रेशियो और ऑटो और मॉर्गेज में अगेन इट विल रीगेन इट्स मोमेंटम। और पांचवा आएगा सन टीवी के नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे और मुझे लगता है एड रेवेन्यूज इस क्वार्टर से विल सी अ वेरी वेरी स्ट्रांग ट्रैक्शन ऑन अ प्राइस टू अर्निंग, इट्स कोटिंग एट 11-12 टाइम डिस्पाइट हैविंग अ वेरी वेरी गुड मार्केट शेयर इन तमिल। तो ये पांच नाम मुझे इस भाव पे भी बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ये आउट परफॉर्म कर सकते हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स।